नमस्कार लता ओडिया किचन रे आपन समस्तंकु अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपन मानक सहित शेयर करया पे नेके आछि छतु मसला बा आपन माने छतु तरकारी कहि परंती किंतु आजिर छतु मसला को आमे पूरा यूनिक स्टाइल रे बनेबा आउ एहर टेस्ट मध्ये आपनकु बिल्कुल नुवा लागिवो बहुत टेस्टी लागिवो ए रेसिपीटी हुए त आपन माने एमितिया प्रोसेस रे छतु तरकारी आगरु केबे भी बनेइ नथिबे। आज रेसीपी देखला आपण जदि पसंद आसो ताले वीडियो को लाइक टे करेंगे और शेयर मध्य करेंगे आउ जदि चैनल रे नुआ अच्छा सब्सक्राइब करना ताले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आउ पाखरे थिवा बेल आइकन को क्लिक कलापर ऑल ऑप्शन को क्लिक करेंगे ताले मु जहाँ भी वीडियो अपलोड करी तार नोटिफिकेशन आपारे ताले चलतु स्टार्ट करवा आज रेसीपी ए टेस्टी छतु तरकारी बनवाई एटी मुझे गोटे कड़ई से कड़ई में दे दूँ गोटे बड़ चामच तेल तेल जिते बड़े भल भाव गरम हो खंडे दालचीनी देदेवि आ सहित देदेव चार्टा लवंग आ गोटे गुजराती यापर मुदेवि गोटे कटाही पिज आ सहित दुईटा कटा कंचा लंका पिज को एकदम छोट छोट कर काटिकी ही ने तो पिज को एवं तेल सहित टिके भाजी नब टे जिते बड़ा भाजी होते आम आड करदे ये गोटे इंच रटा अदा आ सहित ये मुझे आठ रु दस कला रसुण जहाँ को काटिकीदे आड करी छा गोटा काजु तो ये आम सब जिनस को भाजी नवा फ्लेम को मीडियम रखिकी एस को किसी सेकेंड प्रथम भाजी नवा टिके जिते बड़ा भाजी होपर एवं आम आड करदे गोटे कटा टमाटर गोटे बड़ साइज रही मुझे टमाटर नहीं सब जिनस को आम मिक्स करवा आ फ्लेम को मीडियम रखिकी ए सब जिनस सॉफ्ट होगा पर्यंत आम भाजी नवा जमती कि हल्का ब्राउन कलर आसीज तो ये देखूँ आमर ये भाजी हो जाए गैस को बंद करदे गैस को बंद कर सारापर यह थंडा हाँपाई छाड़ा थंडा हो गले आम यह बाटी नवा तो ये देखो आ गोटे फ्राइंग पैन टे मुझे से दूँ गोटे बड़ चामच तेल तेल गरम होदे दीटा मीडियम सैज्र कटाही आलु आलु को आम तेल मिसेद मीडियम फ्लेम रखिकी यह ब्राउन कलर है पर्यंत भाजी नवा तो ब्राउन कलर देखो ये आलु भजा आमर हो तो ये आम आलु भजा को गोटे प्लेट को काढ़ी नवा तो आप चाहिए बिना आलु भी यह बनई पारे तो ये देखो से ही प्यान रे आमर तेल अच्छी से तेल देदे गोटे पियाज तो पियाज को देखी पार्थ एमती पाखुड़ा तार बाहर कर दे लेयर लेयर गुड़ा बाहर कर दे तो देदे अब गोटे कटाही कैप्सिकम तो पियाज को आपण मैंने अति सहजे एमती लेयर करेंगे प्रथम पियाज को चारिफाड़ करदे काटि सारापर आराम से लेयर होकर बाहरी पियाज खंड तो ये आम यह किसी सेकेंड पर हाई फ्लेम भाजवा तो जिते बड़े पियाज कैप्सिकम टिके भाजी हो आमदे गोटे कटा टमाटर तो टमाटर ये मुझे गोटे नहीं बड़ बड़ पीस कर काटिकी नहीं तो आम फ्लेम को हाई रखा हाई फ्लेम रखिकी ए सब जिनस को गोटे मिनिट पर्यंत एपट सेपट करके भाजी नवा जमीक हाल्का हाल्का ब्राउन स्पट आसीज तो देखते ये भाजी होगा तो एमती ही भाजबे या बेसी अधिक सफ्ट करके भाजबे तो आम काढ़ी सारापर से ही सेम प्यान रे आम देद आउ गोटे चम्मच तेल तो तेल गरम होदे ये छतु तो मुझे 500 ग्राम छतु नहीं छतु को टी बड़ बड़ खंड काटिकी नहीं भल भाव धोईकी नहीं तो छतु को आम एपट सेपट करके हाई फ्लेम रे भाजी नवा जमती कि तार जो गोटे पानी बाहर से पानीटा सुखला पर्यटन ही आम भाजवा से पूरा हाई फ्लेम ही आपण मैंने करेंगे जहाद्वारा कि जहाँ भी पानी बाहर बहुत जल्दी सुखीज तो मुझे सोरस तेल यूज करी आपण मैंने चाहिए रिफाइन तेल भी यूज करें तो ये देखूँ दुई मिनिट खंडे भाजला ये आम छतु भजा हो तो ये आम गैस फ्लेम को बंद करदे छतु भजा को सैड्रे रखा तो एपटे देखूँ आम पियाज टमाटर काजु ये सब कुछ भाजी से सब थंडा हो गला तो ये सब जिनस को आम मिक्सिंग जारे देदे आ चिकन करके बाटि आदि आपण को पा दरकार होटला बेले तेल दुई तीन चामच पा देखिए आपण मैंने बाटि ने तो ये बटा होगा एवं नेक्स्ट प्रोसेस को जी से सेम कड़े एवं मुझेदेवी दुई बड़ चामच सोरस तेल तेल गरम होदेवि अधा चामच जीरा एबे दे दूँ आम बाटिक रखि मसला पेस्ट को एबे आम दुई रु तीन चामच पा से जारे दे कि जार को धोईकी से पानी को देदे पानी टिके दे कि कषिबा द्वारा मसला को भल भाव मसलाटा कषि तो ये आम सब जिनस को मिसेदे फ्लेम को ये समय आम लो टू मीडियम रखा तो ये बाकी सब गुंड मसला आड करवा प्रथम लंका गुंड गोटे छोट चामच आदे जीरा गुंड गोटे चामच धनिया गुंड देदेवि गोटे चामच आउ एबे ऐड कर दोची गरम मसला गोटे चामच
तो एबे आमे हळदी गुंड दे देबा आधा चम्मच। तो एबे ए सब सुखिला मसला को भल भाव मिसे देबा मसला सहित। तो फ्लेम को आपण माने बिल्कुल भी हाई करिवेनी। तो एबे मते टिके सुखिला लागुची मसला, तो मु आउ एठी 2 रु 3 चम्मच पानी देकी मसला को कसई नेबे। एबे आमे सेही फ्लेम को लो टू मीडियम रे रखिकी एहा को कवर करिकी पाखा पाखी 3 रु 4 मिनिट पर्यंत छाडी देबा, जेमति कि हमर मसला एठी भल भाबरे कसी हे जीवो। तो एपटे देखंतु 3 4 मिनिट पर हमर मसला एठी कसी जाईची, चारि साइड रु देखि पारुथवे तेल भी बाहरी आसी। तो आपण माने घोडेला भितरे भी मझरे मझरे ताको घांटोतिबे, नले मसला तळु लागि जीवो। तो मसला कसी हे गलानी, एबे आमे प्रथमे ऐड कर देबा भाजी रखीथिबा आळू को। आळू टिके सिझिया पई टाइम लागे, भाजी की तो अधा सिझी जाईची आळू, आउ टिके कंचा आसी सेटा मध्ये सिझी जीवो। एबे मु ऐड कर देबी स्वाद अनुसार लुण, लुणा आमे बिल्कुल भी पकेइ नथिले। तो एबे आमे ए सब जिनस को मिसे देबा, आळू को मसला सहित पाखा पाखी गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत भल भाबरे कसेइ नबा, जेमति गोटे भल बासना आसी जीवो मसला रु। तो एबे देखंतु भल भाबरे कसेइ गेला परे एठी ऐड कर देबा आमे भाजी रखीथिबा छतु। तो छतु को दे सारापर आम पूर्व भाजी रखिता पिज कैप्सिकम टमाटर ये सब कुछ देदेब। आउ गोटे मिनिट पर्यंत मसलार ये छतु आलू कैप्सिकम सब जिनस को आम मिसेक कसई नवा। तो ये देखु गोटे मिनिट पर ये कसी हेगला मुझे दे दूसरी पा पा ये मुझे देढ़ ग्लास देखी मुझे गरम पा यूज करें चेस्टा करें गरम पा देवाई। गरम पा देवा द्वारा बहुत जल्दी तरकारी फुटी थाए, मत लगे एमती तरकारी टेस्टी बनी थाए। तो ये सब मिक्स करदे, मिक्स कलापर एवं मुझे देदेगी कसूरी मेथी गोटे चामच, बास्ना बहुत बढ़िया आसो, आउ थे यहाँ मिसेदेव। तो ये आम मीडियम फ्लेम रखिकी यहाँ कवर करदे पखापाखि 5 रु 6 मिनिट जहाद्वारा कि सब जिनस भल सीझीज। तो ये देखो 5 6 मिनिट हो लिड काढ़ देखुची तरकारी आमर ये बढ़िया से हो जाए। तर ग्रेवी देखु ये अच्छी, आपड़ी अधिका ग्रेवी चाहिए तेल आपने अधिका पा देपारे तरकारी। तो आलू देखो ये परफेक्ट सीझी आउ बढ़िया देखा जाऊँगी, बास्ना भी तो बढ़िया अच्छी। यहाँ थंडा हालापर आर कलर आहरी भल देखा। एबे आमे शेषे देदेबा ये कटाई धनिया पत्र, आउ कि भी ये मसला आम यूज करूनि, प्रथम सब यूज करे। तो ये आउ टिके मिक्स करदे, यहाँ मिक्स कर सारापर एवं आम रेडीगला गरमा गरम छतु रही तरकारी। आपण मैंने ये रेसीपी ना कौन देते मत कमेंट सेक्शन में निश्चय जनइबे। आज रेसीपी को आपरी करूँ केमती लगला मो सहित सेयार करेंगे निश्चय। आपण यह भात रुटी परटा सबुति खाई पारे, टेस्ट तो बहुत बढ़िया रोज। तेल आज रोचे पुणी आसबि आउ गोटे नुआ रेसीपी नहीं कि से पर्यंत रही। नमस्कार, बाय, जय जगन्नाथ।